मैं हूं राजेंद्र देव। इस वक्त लखनऊ में चल रही ओडीओपी समिट में राष्ट्रपति अपनी बात रख रहे हैं, सीधा वहीं चलते हैं। करना चाहिए चरैवेपी चरैवेपी, हम सब लोग जानते हैं कि आदर्श को अपने जीवन में ढालने वाले और सबको प्रेरणा देने वाले राज्यपाल श्री राम नाईक जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के निवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और पहले मुझे इतना समझ में नहीं आया था जब मैं बिहार का राज्यपाल था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आ गया दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, तो मैंने एक पिछले के जो कुछ मापदंड कहें या कुछ थे उनको मैंने निकलवाया। मैंने कहा किस प्रदेश में, जो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर राज्यपाल यदि चुना गया तो आखिर उस राज्यपाल में तो कुछ विशेषता होगी, और वो है हमारे राज्यपाल माननीय राम नाईक जी। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में आज जो आप सब लोग बैठे हैं, ये महत्वाकांक्षी केवल सरकार का नहीं है, ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरी जनता का है। और आप सब लोग जो यहाँ एकत्रित हैं वो इस कार्यक्रम के साक्षी हैं, और साक्षी होने का एक अपना नैतिक दायित्व होता है। मैं इसलिए आप सबसे अपील करूंगा कि ये कार्यक्रम की सफलता में आपका जो भी योगदान हो सकता है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, वो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के सुखद भविष्य के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के अच्छे भविष्य के लिए आप बराबर प्रयास करते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में उत्तर प्रदेश के अनेक नए उत्पाद देश और विदेश के बाजारों में अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसे बदलाव से समावेशी विकास को बल मिलेगा और जनपदों के उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस जनहितैषी ODOP योजना की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो ODOP यानी क्या, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पर अपनी बात उन्होंने रखी। राष्ट्रपति महोदय ने अभी अभी अपनी बात समाप्त की है और उन्होंने कहा कि सबका योगदान चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। प्रोडक्ट की इस कार्य योजना को, जिसमें कम पूंजी पर केंद्र और प्रदेश सरकार की जुड़ी हुई उन तमाम योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन की दिशा में जो एक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट है, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है। प्रदेश में हम लोगों ने इसी तर्ज पर कुछ योजनाएं प्रदेश के अंदर प्रारंभ की और पहली बार हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए अकेले उत्तर प्रदेश सरकार की बजट में 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से भी करके रखा है। स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ रुपए अलग से हम लोगों ने रखा है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश अपने बजट से भी इसको प्रोत्साहित करने का कार्य करेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि पहली बार एक साथ जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक कार्यक्रम हो रहा है, 75 जनपदों में ये पूरे कार्यक्रम एक साथ आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन और संबोधन के बाद पूरे प्रदेश के अंदर यह कार्यक्रम सीधे इनका हर जनपद में इन कार्यक्रमों को लाइव टेलीकास्ट तो हो ही रहा है, लेकिन उन कार्यक्रमों के बाद उन लाभार्थियों को वहीं पर 1,006 करोड़ रुपए की वित्त पोषण की व्यवस्था एक साथ एक दिन में प्रदेश के अंदर होने जा रही है और 4,095 लाभार्थी एक साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं, यानी एक साथ 4,095 परिवारों को आज हम एक साथ स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्य भी इस परियोजना के माध्यम से कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने इस समिट के दौरान कही, राष्ट्रपति से पहले कही। आगे बढ़ते